हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 12 के जीव विज्ञान के मानव जनन चैप्टर से अगली हेडिंग लेकर आया हूं, जिसका नाम है अंड जनन। तो बच्चों, हम जो है आपको जो है मानव के जो है नर जनन तंत्र और स्त्री के जनन तंत्र और उसके विषयण अंडाशय, ये चीज़ हम आपको बता दिए थे कि कौन सा पार्ट किस अवस्था में रहता है, फिगर बना के हम आपको बता दिए थे। अब हमें बच्चों आगे क्या पढ़ना है, आगे हमें जो है अंडजनन पढ़ना है। तो ये अंडजनन क्या होती है, तो अंडजनन किसके अवस्था में पाई जाती है, ये स्त्री में ही पाई जाती है। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में हमें बताना है और ये चीज़ ध्यान देना है कि अंडजनन जो होता है, ये मतलब एक अंडाणु होता है। अंडाणु का जब द्विगुणित अवस्था से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो एक गुणित आगुणित में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को अंडजनन कहते हैं। समझ गए, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, कहा यही गया है कि द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। ठीक, और अगली चीज़ बताया जाता है कि अंडजनन का प्रारंभ स्त्री के भ्रूण के विकास के समय से स्टार्ट हो जाता है। कब से स्टार्ट होता है अंडजनन का जो क्रिया होता है वो स्त्री के, कहा गया है कि वह जो है अंडजनन का प्रारंभ स्त्री के भ्रूण के विकास, स्त्री के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है उस दौरान वह जो होता है अंडजनन क्रिया प्रारंभ होने लगती है। ठीक है, और कहा गया है अर्थात तब तक होता रहता है जब तक उस गर्भ में शिशु रहता है। ठीक है, तब तक जो है अंडजनन की प्रक्रिया जारी रहती है, अर्थात लगभग कितने दिन, 270 से 80 दिन तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। समझ गए, और बच्चों ये बताया गया है कि इस प्रक्रिया में बताया गया है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है और अंडजनन प्रक्रिया पर जो है पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है उसमें से LSH और LH ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रान हार्मोन्स का श्रावण करते हैं। ठीक है, जो ये क्या करती है, अंडजनन को नियंत्रण में रखती है। ठीक, ये इसका क्या होता है, कार्य होता है। आगे बच्चों ये बताया गया है कि शुक्र जनन के भांति ही ये भी, जैसे वृषण में, जैसे शुक्र जनन में था ये चीज़ कि ये तीन पार्टों में इसका डिवाइडेशन होता है। पहला तो हमारा क्या होता है, गुणन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था, तीसरा परिपक्वन प्रवस्था। तो जिस तरीके से शुक्रजनन में तीन प्रवस्थाएं पाई जाती हैं उसी तरीके से हमारा अंडजनन में भी तीन प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला हमारा गुणन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था, तीसरा परिपक्वन प्रवस्था। तो तीन प्रवस्थाओं में अंडजनन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो ये तो था इस तरीके से हम आपको बताएं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन पार्ट कैसे जो है होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं कि द्विगुणित क्या चीज़ होती है। तो कहा ही गया है कि द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग जो है यही चीज़ बताया गया था कि अंडजनन जो होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो देखो बच्चों, यही बताया गया कि अंडजनन जो होती है वह कहा गया कि किस अवस्था में रहती है, द्विगुणित अवस्था में। जो अंडाणु होता है स्त्री के अंदर वो जो है द्विगुणित अवस्था में रहता है। तो द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से, मतलब जो भी उसके अंदर जो बनता है वो मात्र कोशिका होती है, उसी मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बताया गया अंड कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अंड कोशिका का किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मतलब जो द्विगुणित 2n होता है उसको हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के द्वारा उसको जो है वो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान टूट जाता है और एक ऐसी अवस्था में हुआ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आगुणित प्रवस्था में हो जाता है, मतलब जहाँ 2n होगा वहाँ n हो जाता है। ठीक है ना, तो इस अवस्था में कोशिका क्या होता है, निर्माण होता है, अंडजनन कोशिका का निर्माण होता है। कहा गया कि अंडजनन का प्रारंभ स्त्री के भ्रूणी विकास के समय ही होता है। कब होता है,
स्त्री के भ्रूणी विकास के समय, अर्थात जब उसके अंदर एक शिशु का मतलब एक भ्रूण का जो है विकास होता है, स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, तभी अंडजनन का विकास होता है वहाँ पे, समझ गए। इसके बाद बताया गया है अर्थात तब होता है जब तक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात टोटल 280 दिन, 270 से 280 दिन तक यह प्रक्रिया जारी रहती है, समझ गए। और कहा गया है कि इस प्रक्रिया में ग्राफियन पुटिकाओं में, देखिए उस अंड कोशिका के पास ग्राफियन पुटिका होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफियन पुटिका का मतलब ये होता है, आप यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं ये जो पार्ट बना हुआ है इस तरीके से, ये पार्ट हमारा क्या है, ग्राफियन पुटिका है, ठीक है। अब इस पार्ट में देखो बच्चों, ये बताया गया है, कहा गया है कि बाकी ये देख रहे हैं आप क्या चीज़ दिया गया है, ये आपका दिया गया है अंडक मतलब अंडाणु है, और ये ग्राफियन पुटिका। इसी ग्राफियन पुटिका में अंडाणु का क्या होता है, इसी का निर्माण देखिए इसमें होता है, समझ गए। तो इसके द्वारा ये जो है बनता है। आगे देखिए बच्चों, ये बताया गया है, कहा गया है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडजनन प्रक्रिया में पीयूष ग्रंथि से। देखिए हमारे मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। पूरे शरीर में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है। तो जो हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि का काम करती है, क्योंकि वो जो है सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, सभी पार्ट का मस्तिष्क के, ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित क्या चीज़, FSH, ये मतलब हमारा क्या लिंग हार्मोन्स है, तथा और क्या है LH, ठीक है, और क्या है LH, जनदों से स्रावित एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का ये क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है ना। तो ये था जो है अंडजनन की प्रक्रिया। अब इसमें ये बताया गया है कि शुक्रजनन अंडजनन जो होता है वो शुक्रजनन की भांति ही जो है तीन भागों में पृथक होता है, और अंडजनन का तीन भागों में क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है उसमें बताना हमें। देखो बच्चों, पहला भाग हमारा है, यही कहा गया है कि अंडजनन की प्रक्रिया शुक्रजनन के भांति तीन भागों में पृथक किया गया है। पहला भाग हमारा आप जानते ही हैं, पहला भाग का नाम क्या है, गुणन प्रवस्था। पहले तो उसमें जो है प्रवस्थाएं अलग मतलब टूटती हैं, पहले वो द्विगुणित अवस्था में होगा, द्विगुणित से जो है वो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है अंडाणु दो भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, जिसे उसे हम क्या कहते हैं, अंडजनन की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है गुणन प्रवस्था के बाद, फिर वो उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि प्रवस्था होती है, वो धीरे धीरे जो है अपना रूप लेने लगता है, बढ़ने लगता है, और कितने समय तक बढ़ता है, ये टोटल हमारा जो है कितने, 280 दिन तक, जब तक माता के गर्भ में जो है गर्भ काल होता है मतलब शिशु जब तक रहता है तब तक उसमें क्या अवस्था होती है, वृद्धि प्रवस्था जारी रहती है। अर्थात जो गर्भ में जो गर्भाशय होता है वो 30 से 40 ग्राम का होता है, एक नाशपाती के समान होता है, ठीक है। वो स्टार्टिंग से ले कर वो 280 दिन तक अर्थात 9 मंथ तक जो है वो टोटल जो है धीरे धीरे धीरे, पहले गुणन होता है, किसका गुणन होता है, अंडाणु का। अंडाणु का गुणन होने के बाद जो है उसमें जब भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास वही धीरे धीरे अंडजनन की प्रक्रिया कब होगी, जब तक शिशु जो है प्रारंभिक स्टेज से लास्ट स्टेज तक जाएगा तब तक अंडजनन की प्रक्रिया जारी रहेगी, और उस अंडजनन की प्रक्रिया तीन प्रवस्था में जारी रहती है। पहली प्रवस्था इसकी होगी, वो होगी आपकी गुणन प्रवस्था, ठीक।
क्योंकि उसमें जो है अंडजनन का जो होता है गुणन होता है, इसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, होने के बाद वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अब वृद्धि जितना हो जाएगी फिर वृद्धि के बाद वो किस अवस्था में परिपक्व होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये तीन प्रवस्था होती है, पहली गुणन प्रवस्था, दूसरी वृद्धि प्रवस्था, तीसरा जो होता है परिपक्वन प्रवस्था। तो टोटल कितनी प्रवस्थाएं हो गई, तीन प्रवस्था होती हैं जो अंडजनन की क्रिया में जो होती है इसको कार्य को संभव बनाती हैं। समझ गए बच्चों? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला जो है। अब इसके बाद देखो बच्चों कहा ये गया है, ठीक बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं शुक्रजनन तथा अंडजनन में अंतर क्या क्या होता है, थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए इस चीज़ को क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए देख लीजिए, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग जो है। देखो बच्चों बताया गया है शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर, थोड़ा सा आप देख लेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर, ठीक है। ये तो हमारा शुक्र जनन है और इधर हमारा क्या है, अंड जनन है, ठीक है। देखिए पहला तो प्रक्रिया होगा शुक्रजनन की प्रक्रिया वृषणों में पूर्ण होती है। शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, शुक्रजनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, वृषण में, वृषण में। शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वृषण में होती है, ठीक है। और दूसरी चीज अंडजनन की प्रक्रिया, अंडजनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है, अंडाशय में होती है, ठीक बच्चों। अगली चीज बताया गया है कि दूसरी चीज बताई गई है कि इसकी वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है, लेकिन इसकी वृद्धि प्रवस्था कैसी होती, लंबी होती है, क्योंकि टोटल जब तक गर्भ में शिशु रहेगा तब तक इसकी वृद्धि प्रवस्था लंबी होती है, ठीक है ना। इसकी वृद्धि प्रवस्था कैसी होती है, लंबी होती है। अगली चीज एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से चार आगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण इसमें होता है। देख लीजिए क्या कहा गया, यही कहा गया है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु कोशिका से ठीक है ना, कोशिका से बताया गया है आगुणित स्पर से चार आगुणित, कितने चार आगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और इसमें देख लीजिए क्या होता है, का निर्माण होता है, और इसमें होता है कि इसमें एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कहा गया एक अंडाणु तथा दो या तीन लेपिकाओं का निर्माण होता है। क्या कहा गया, इसमें कहा गया है प्राथमिक कोशिका से, प्राथमिक कोशिका से एक अंडाणु तथा दो या तीन लेपिकाओं का, जो लेयर होता है लेपिकाओं का निर्माण होता है,
ठीक, बात यह है। और बच्चों आगे फिर हम देखेंगे, ये तो होता है इसका अंतर। एक और होता है कि स्पर्मेटिड शुक्र के अंतरण, स्पर्मेटिड से शुक्र के अंतरण द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वही मतलब कहा गया है कि कयांतरण, शुक्र के अंतरण द्वारा जो है गतिशील शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स मेटिड्स से शुक्र कायांतरण द्वारा, शुक्र कायांतरण द्वारा द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बताया गया है कि इसमें अचल अंडाणु या डिंभ में कयांतरण नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहाँ होगा कयांतरण, बिल्कुल नहीं होता, इसमें चेंज नहीं होता है, बल्कि कहा गया है कि अंडाणु गोलाकार होता है। ठीक है ना, कहा गया है कि अचल अंडाणु, अचल क्योंकि अंडाणु अपने स्थान पर ही पड़ा रहेगा, अचल अंडाणु का डिंभ, या फिर हम यही कह सकते हैं कि अचल अंडाणु या डिंभ में कयांतरण नहीं होता, अचल अंडाणु या डिंभ में कयांतरण नहीं होता, कयांतरण नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि क्या हो सकता है, अंडाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोला अंडाणु गोलाकार होते हैं। बच्चों ये चीज था जो है इसका अंतर। एक और अंतर है कि शुक्राणु निर्माण से पूर्व ही दोनों अर्धसूत्री विभाजन वृषण में ही पूर्ण हो जाते हैं, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होती है वृषण शुक्राणु की, वो वृषण में ही संपन्न हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज बताया गया है। परंतु जो अंडाणु जनन की होती है कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात अंडवाहिनी में पूर्ण होता है। ये जान लीजिए, पहला तो जो होगा वो अंडाणु जहां रहेगा वहां एक बार उसका क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर ऊपर जाने के शुक्राणु से मिलने के बाद फिर एक बार उसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, यही कहा गया कि शुक्राणु निर्माण से पूर्व ही दोनों अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन वृषण में ही संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं शुक्राणु निर्माण से पूर्व ही निर्माण से पूर्व ही शुक्राणु निर्माण से पूर्व ही बताया गया है दोनों अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, दोनों अर्ध सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन वृषण में ही पूर्ण हो जाते हैं, में ही पूर्ण हो जाते हैं। देखो बच्चों, एक आ गया कि शुक्राणु निर्माण से पूर्व ही दोनों अर्धसूत्री विभाजन वृषण में ही क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, मतलब दो बार इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और दोनों ही शुक्राणु के निर्माण से पहले ही जो है यह वृषण में संपन्न हो जाती है। परंतु अंडाणु में क्या होता है, अंडाणु बताया गया दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन बताया गया अंडाणु में शुक्राणु के, अंडाणु में शुक्राणु, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, के प्रवेश के पश्चात, पश्चात प्रवेश के पश्चात कहा गया अंडवाहिनी में पूर्ण होता है, अंडवाहिनी में पूर्ण होता है,
देखो बच्चों यही कहा गया कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो पहला तो होता है कहाँ, पहला तो अंडजनन में, जब अंडजनन क्या करता है मातृ कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है एक अंड का निर्माण होता है जिसे अंडजनन कहते हैं, पहले तो हो जाता है। इसके बाद जब शुक्राणु उसके मतलब मादा की गर्भाशय के पास आता है मतलब अंडाणु के पास आता है तो उसके मिलने के बाद मतलब एक बार शुक्राणु से मिलने के बाद जो है प्रवेश के पश्चात अंडवाहिनी में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये अवस्था इसमें पाई जाती है, ये इसका अंतर होता है। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे कि इसमें एक चीज़ और ध्यान देना हमें जो है कि अंड और शुक्राणु में क्या अंतर है थोड़ा सा ये हमें देखना है, ठीक है। ये तो अंड जनन और शुक्र जनन था, अब देखना हमें थोड़ा सा कि शुक्र और शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है। तो देख लीजिए, देखिए शुक्राणु जो होता है कहते हैं कि ये चल होता है, शुक्राणु जो होता है ये मतलब गुड़ लिख लेते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसका ये गुड़ हो गया, ठीक। अब यहाँ लिख लेते हैं चलनशीलता, चलनशीलता मतलब कौन चलता है कौन स्थिर रहता है। तो ये क्या होता है शुक्राणु चल अवस्था में होता है मतलब ये चलने में संपन्न होता है, और अंडाणु जो होता है ये किस अवस्था में होता है अचल अवस्था में, ठीक है। ये चलता नहीं है, एक ही स्थान पर क्या होता है स्थिर रहता है। दूसरी चीज़ जो है कहा गया है कि ये सपुच्छ होता है, ये कैसा होता है सपुच्छ होता है, क्या होता है सपुच्छ मतलब इसके पास पूंछ होती है, इसके पास ये तीन भागों में डिवाइड होता है शुक्राणु, पहला शीर्ष दूसरा मध्य और तीसरा क्या होता है टेल मतलब पुच्छ होता है, और ये बहुत एक्टिव बहुत छोटा होता है और बहुत एक्टिव गतिशील होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है। और ये अचल अवस्था में पाया जाता है इसका ये कोशिका। दूसरी चीज़ बच्चों ये देखना है संरचना, संरचना अब इसकी संरचना क्या होती है हमें ये देखना है। तो संरचना में ये कैसा होता है गोलाकार होता है आप तो जानते हैं, और ये जो होता है शुक्राणु टैडपोल के भांति, किसके भांति टैडपोल के भांति, ठीक है, लंबा होता है होता है, ठीक है। ये तीन भाग में, ये तीन भाग में बटे हैं जो आपको बताया गया है, कुछ ज़्यादा बताने जरूरत नहीं है। और ये कैसे होते हैं ये गोलाकार अंड के समान होते हैं, अंड के समान होते हैं, जो बताया गया इसका भार कितना होता है आपको बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 ग्राम का होता है। और अगला जो है कोशिका द्रव्य हमें देखना है, कोशिका द्रव्य किसकी क्या अवस्था होती है कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में जो होता है बताया गया कि पोषक पदार्थों से समृद्ध कोशिका द्रव्य बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसमें तो बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसमें कोशिका द्रव्य अत्यंत मात्रा में पाया जाता है जो केंद्रकों के चारों ओर एक पतला स्तर बनाता है, ठीक है। सीधा सीधा कहते हैं कि ये कहा गया है कि कोशिका द्रव्य अत्यंत मात्रा में पाया जाता है, ये अत्यंत मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है जो शुक्राणु के चारों तरफ, शुक्राणु के चारों तरफ पतला लेयर बनाता है, पतला लेयर बनाता है या अस्तर बनाता है आप कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यही कहा गया है कि यह जो होता है कि यह भी कोशिका द्रव्य में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य बड़ी मात्रा में पाई जाती है, पाई जाती है जो पोषक पदार्थ के रूप में काम करती है, पदार्थ के रूप में रहती है, ठीक बच्चों। ये तो हो गया, अब इसके बाद सेंट्रियोल, ये इसका आवरण होता है सेंट्रियोल। तो बच्चों पहले आप समझ लीजिए चलनशीलता क्या चीज़ है, किस रूप में ये काम करता है,
तो कहा गया है कि चलनशीलता शुक्राणु में चल अवस्था में होता है, मतलब यह क्रिया मतलब ये चलती रहती है और यह चल मतलब स्थिर रहती है। ये सपुच्छ होता है, ये सपुच्छ नहीं होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, कहा गया कि ये इसका जो संरचना होता है टैडपोल के भांति लंबा होता है, ये तीन भाग में बटे होते हैं जो आपको बताया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये गोलाकार होते हैं, गोले अंडे के समान होता है। और कहा गया है कि कोशिका द्रव्य में कहा गया इसके मात्रा मतलब शुक्राणु में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो शुक्राणु के चारों तरफ पतला स्तर बनाती है। और इसमें कहा गया कि कोशिका द्रव्य बड़ी मात्रा में पाई जाती है जो पोषक पदार्थ के रूप में काम करती है, मतलब उसको पोषित न्यूट्रिशन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये अवस्था है। इसके बाद जो है चलो बच्चों फिर आगे हम देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगली हेडिंग जिसका नाम है आर्तव चक्र। क्या नाम है? आर्तव चक्र, या फिर हम कह सकते हैं मासिक चक्र। तो बच्चों हम लोग अगली हेडिंग मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादातर अंत तक देखें तो बेहतर आपको जो है। धन्यवाद बच्चों।